सुप्रभात बाळमित्रो, आजनो आपणो विषय छे नवू मीठी गुजराती पाठ्यपुस्तक धोरण एक। आजे आपणे जोईशुं पाना नंबर 70, वार्ता। वार्ता मीन्स कहानी, ए तमे जाणो छो। समजू बकरी अने समझदार बकरी। एक नानुं गाम हतुं, गाम पासे एक नदी हती। एक छोटा सा गाँव था और गाँव के पास एक नदी थी। नदी खूबज ऊंडी अने सांकड़ी हती। एने नदी बहुत ही गहरी थी लेकिन ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। चौमासा में ए नदी में घणू पानी आवतु। सामे कांठे जवा माटे लाकड़ानो एक पुल हतो। मतलब में चौमासा में बारिश के सीजन में बहुत पानी आता था नदी में, और एक तरफ से दूसरे किनारे पे जाने के लिए एक छोटा सा पतला सा पुल था। सांकड़ा मतलब संकड़ा, पतला सा पुल ने कठोड़ो पण न हतो, यानी पुल के आजू बाजू कठेड़ा जो पकड़ के चलते हैं वो भी नहीं था। तेना परती खूब साचवी ने जवू पड़तू। उसके ऊपर से बहुत ही संभल कर चलना पड़ता था। एक बार बपोर नो समय हो तो, एक बार की बात है दोपहर का वक्त था। पुल पर खास आवजा थती न हती तेवा मा, यानी पुल पर कुछ लोग, ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे उस वक्त की बात। बे कुतरा आमने सामने आव्या, दो कुत्ते एक दूसरे के सामने इस तरीके से, एक यहाँ से आने लगा और यहाँ से एक आने लगा। पुल सांकड़ो हो तो, पुल बहुत सांकड़ा था, पतला था, तेथी बन्ने एक साथे पसार थई सके तेवी परिस्थिति न हती। तो दोनों एक ही बार में पुल पार कर सके ऐसे कोई हालात नहीं थे। बन्ने एक बीजा सामे घुरकिया करवा लाग्या। दोनों एक दूसरे को आपस में घूरने लगे, साम सामे भसवा लागे, एक दूसरे को सामने सामने भौंकने लगे। बात आगे बढ़ी, बन्ने एक बीजा साथे झगड़वा लाग्या। दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे इस तरीके से, अने आम करता बन्ने पुल पर थी लपसी पड़िया, और ऐसा करते हुए दोनों पुल पर से फिसल कर गिर गए, अने अंते नदी ना ऊंडा पानी में पड़िया और नदी के गहरे पानी में गिर गए, अने तणाई गया और पानी के बहाव के साथ बह गए। थोड़ा वक्त गुजरा, अने एज पुल पर बे बकरियों साम सामे थी आवी। पुलनी अधवच्चे बन्ने भेगी थई। देखो क्या हुआ, थोड़े वक्त के बाद वही पुल पे दो बकरी आमने सामने से आई और दोनों पुल के बराबर बीच में इस तरीके से मिल गई। बन्ने बकरियों समझू हती, दोनों ही समझदार थी, तेथी तेओ कुतरानी जेम झगड़ी नहीं, इसलिए उन्होंने कुत्तों की तरह झगड़ा नहीं किया। पहली एक बकरी नीचे बैसी, देखो पहली जो बकरी थी वो इस तरीके से नीचे बैठ गई, अने बीजी बकरी एना पर थी साचवी ने पसार थई गई, और ये जो दूसरी बकरी थी यहाँ से उसके ऊपर से धीरे से पास हो गई, वहाँ से चली गई उसके ऊपर से। ते जेवी पसार थई, वो जैसे ही गई के बैठेली बकरी उभी थई, जो बैठी हुई बकरी थी वो खड़ी हो गई। आम बन्ने बकरियों पोत पोताने रस्ते चालती थी। इस तरीके से दोनों बकरियाँ अपनी अपनी समझदारी के वजह से अपने अपने रास्ते पर सही सलामत पहुंच गई। कुत्तों की तरह उन्होंने झगड़ा किया नहीं, थे वो कुतरानी जेम लड़िया नहीं। एटले बाळ मित्रों, आ वार्ता परथी आपणने ए शीखवा मळे छे कि हमेशा समझदारी थी काम लेवू जोईए। बाय।